हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम मैथमेटिक्स में HCF की कंसेप्ट को पढ़ेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसकी आज हम सो ट्रिक करेंगे कि कैसे हम बिल्कुल कम समय में HCF के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है, लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे HCF के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो HCF की फुल फॉर्म होती है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कोई नंबर होंगे उनके फैक्टर्स बनेंगे, उनके फैक्टर्स में से जो भी हाईएस्ट कॉमन होगा वो उसका HCF होता है। एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले बिल्कुल आसान सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक है आपके पास 18, दूसरा है आपके पास 24। आपसे पूछा कि इन दो नंबरों को HCF निकालो। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनको छोटे टुकड़ों में बांटने पड़ेंगे, यानी कि इनके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 18 के फैक्टर कैसे होते हैं दोस्तों? 2 में 18 होता है, तो 2 तो यहाँ पे लिखेंगे और 9 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 3 × 3। 2 में 18, 2 × 3 × 3, 3 × 3 9 होते हैं और 9 × 18 होते हैं। तो हमें ये बनाना होता है, इसके छोटे से छोटे हमें फैक्टर बनाने होते हैं। तो पहले हम ऐसा करते थे, ठीक है। अब 24 का कैसे करते थे आप दोस्तों? 24 का 6 × 24, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो 24 के फैक्टर आपके पास ये हो गए थे दोस्तों, ठीक है। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप क्या करते थे, जो आपका कॉमन होगा, इसमें 3 कॉमन है, ये देखो 3 आपका इसमें कॉमन है दोस्तों। नेक्स्ट 3 है, यहाँ कॉमन नहीं है। 2 है आपका, 2 यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमन है इसका। तो कौन कौन से कॉमन है? एक तो यहाँ पे 2 कॉमन है, एक यहाँ पे 3 कॉमन है। तो 2 × 3 आपके पास 6 इसका आंसर आता था, यानी कि 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आपके पास निकल के आता था दोस्तों। तो ये आपकी पहली ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक आपके यूज़ करते थे छोटी क्लासों में, वो ऐसा होता था कि जो आपका बड़ा नंबर है सबसे पहले, तो वो लोग जैसे 24 आपने ले लिया, 24 को आपको क्या करना था, 18 से आपको डिवाइड करना होता था दोस्तों, ठीक है। और 18 पे ये 1 पे जाएगा, 18 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये बचेगा आपके पास 6, और 6 यहाँ पे बच गया शेष पर। अब जो ये 18 है इसको आप यहाँ से डिवाइड करते थे 6 से, ठीक है। मैंने क्या किया, 18 को इसके डिवाइड किया, 18 × 1 = 18, जो आपका रिमाइंडर बचा ये तो आपका 6 आ गया। अब ये 18 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 6 × 6, 6 × 12, 6 × 3 = 18, तो 3 आपका यहाँ पे कट जाता था और आपका HCF जो आपका यहाँ से बच जाता था वो आपका HCF होता था, यानी कि 6 यहाँ पे भी आपका आ रहा है और 6 यहाँ पे भी आपका आ रहा है। तो ये दो मेथड्स आप यहाँ पे HCF निकालने के यूज़ करते थे छोटे क्लासों में। बट दोस्तों हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे पास बड़े बड़े क्वेश्चंस आ देते हैं, तो हम उनको कैसे सोल्व करते हैं? सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ गया ऐसा, मेरे पास कुछ नंबर्स आ गए 18, 24, 60 और 150, ठीक है। मेरे पास दोस्तों ये 4 नंबर्स हैं। अब इनमें 4 नंबरों का HCF कैसे निकालूंगा? मैं ये तो नहीं करूंगा कि अब 18 का फैक्टर निकालूंगा, फिर 24 के फैक्टर निकालूंगा, फिर 60 के फैक्टर निकालूंगा, फिर 150 के फैक्टर निकालूंगा, या फिर इसको अकेला अकेला मैं इसको डिवाइड करूंगा। बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा दोस्तों। तो इसी टाइम को तो हमें बचाना है, इसी टाइम को हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम 100 ट्रिक लगा के इन HCF के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखो उसमें क्या ट्रिक लगेगी, आपके पास 4 नंबर्स हैं, आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको आपका डिफरेंस देखना है कितना है। आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस भी क्या, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसके बाद एक और 100 ट्रिक बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 18 और 24 में कितना डिफरेंस होता है, 18 और 24 में आपके पास 6 का डिफरेंस होता है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 6 का डिफरेंस है, आपको सबसे छोटे वाला डिफरेंस लेना होता है। जैसे कि 18 और 24 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 6 का डिफरेंस है, सबसे छोटे वाला, इसका मत लेना डिफरेंस, इसका डिफरेंस मत लेना, जो सबसे छोटा होगा उसका डिफरेंस लेना है। तो पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसका डिफरेंस लेना 6 आ गया। अब 6 को इसको डिवाइड करके देखना है, क्या ये 6 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है। 6 × 3 = 18 होता है, 6 × 24 होता है, तो ये भी आपका डिवाइड हो जाता है, 24 भी आपका डिवाइड हो जाता है, 6 × 20 से डिवाइड हो जाता है, इसका 10 आएगा, और 6 × 150 भी आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे इसका 25 आएगा दोस्तों। तो अगर ये नंबर जितने 4 के 4 हैं ये 6 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 6 इसका आंसर आएगा दोस्तों, यानी कि 6 इसका HCF होगा, इसका कॉमन, यानी कि सबसे जो आपका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि ये आपका आंसर आएगा इसके पास। सेकेंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे,
सेकंड क्वेश्चन नहीं, हम एक और ट्रिक दिखाते हैं इसमें आपको। अगर आपको एक ट्रिक नहीं आया तो आप दूसरी ट्रिक से भी निकाल सकते हो। आप 18 हैं आपके पास, 18 के सबसे छोटा नंबर होगा इनमें, उनके फैक्टर बनाने हैं। तो 18 के कैसे बनेंगे फैक्टर? दो, दो नीमे 18, ठीक है, दो गुना तीन गुना तीन, दो नीमे 18, तो 18 के ये फैक्टर आपके पास बन गए, ठीक है। ये फैक्टर आपने बना लिए, अब आपको क्या करना है, 18 को छोड़कर इनसे इसको डिवाइड करके देखना है दोस्तों। जो डिवाइड हो जाता है उसको तो रहने देते हैं, जो डिवाइड नहीं होता उसको हम काट देते हैं। जैसे कि दो को 24 से डिवाइड करेंगे, दो को सबसे पहले दो लेंगे, दो को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ गया, ठीक है। 12 आपके पास आ जाता है, दो को 24 से डिवाइड करके 12 आ गया। इसको आपको लिखना नहीं, इसको आपको मन मन में डिवाइड करना है। 12 आ गया तो दो तो आपका डिवाइड हो जाता है, तो इसको तो हम रखेंगे। अब तीन से डिवाइड करके देखते हैं इसका, तीन चौके 12, तो ये भी आपका तीन से भी डिवाइड हो जाता है। अब आपके पास बच गया चार, तो चार को आप तीन से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इससे तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपके पास सिर्फ ये बचा, दो और तीन आपके पास बच चुका है, तो 24 वाला तो हमारे पास हो गया। अब 60 से करके देखते हैं, ठीक है, 60 से करेंगे, हमारे पास दो और तीन बचा है, तो 60 है हमारे पास, 60 को दो से डिवाइड करके देखेंगे तो दो तीन छः 30 आपके पास आ गया दोस्तों। अब 30 को आप किससे डिवाइड करोगे, दो से तो हमने कर लिया, अब 30 को तीन से भी डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी आपका डिवाइड हो जाता है, तो दो और तीन तो आपका बच चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास 150, 150 को करके देखते हैं। जैसे कि हम 150 लिखते हैं यहाँ पे, और 150 को सबसे पहले हम चाहे तीन से कर लेते हैं, तो तीन पंजे 15, यहाँ पे 50 आपका आ गया। अब 50 को क्या रहेगा आपके पास, दो से डिवाइड करके देखते हैं, तो दो से भी आपका ये डिवाइड हो जाता है दोस्तों, दो दूनी चार, दो पंजे 10, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर बचते हैं दो और तीन, दो और तीन को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आपका यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा लगा होगा, बट इसको आपको लिखना नहीं है, इसको आपको मन मन में डिवाइड करना है, आपके समझ में आएगा। एक दो एग्जांपल और करेंगे तो आपको ये समझ में आता जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन है, यानी कि नंबर है 48 है, 72 है एंड 80 है। आपको इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना है एग्जाम में इस तरह की आएगी कि इनमें कॉमन डिफरेंस थे में या नहीं है, है। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटे वाला लेना है 72 और 80 के बीच में, यानी कि सबसे छोटा नंबर लेना है इनका डिफरेंस, ठीक है। 72 और 80 में कितने का डिफरेंस है, 8 का यहाँ पे डिफरेंस है। आप ये नहीं ले सकते 48 और 72 में तो ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो आपको ये तो नहीं लेना है। 72 और 80 में आपका 8 का डिफरेंस है, आपने ले लिया। अब 8 को इससे डिवाइड करके देखना है, क्या ये डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, 8 छः 48, ये 6 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 8 नहीं 72, ये भी इसका पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 8 10 80, ये भी इसका पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 10 इसका क्या आएगा दोस्तों, HCF आएगा, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपके पास दोस्तों ऐसा होता है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक के फैक्टर बना के इनको डिवाइड कर करके देखते हैं, जो डिवाइड नहीं होता उसको आप काट देते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। आपके पास है 64, 72 एंड 96, 64 है, 72 है, 96 है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखोगे कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, तो मैं आप इसमें देखोगे कि कितने सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा होगा इसमें, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 64 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो आपके पास 72 ही आएगा ना दोस्तों, तो आपके पास यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 64 और 72 में 8 का यहाँ पे आपके पास डिफरेंस है। अब इस 8 को इससे डिवाइड करके देखो, क्या ये डिवाइड होता है, 8 64 8 से डिवाइड होता है, 9 72 8 भी 72 इससे आपका डिवाइड हो जाता है, और 12 8 96, ये भी आपका इससे डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 12 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 96 ही आता है, तो 8 आपका क्या आएगा, इसका भी आपका HCF आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट एक और तरीका होता है इसका सोल्व करने का, आपको बताता हूँ, चलो ये तरीके तो हमने कर लिए, अब नेक्स्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा इसकी प्रैक्टिस करना वो बहुत होगा। तो प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन होता है नेक्स्ट टाइप, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टाइप कुछ ऐसा है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 5 और आपके पास नेक्स्ट है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, ठीक है, 5 की पावर 1। आपको इसका HCF निकालना है दोस्तों। अब इस HCF को कैसे निकालोगे, इसका इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए
तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि HCF में आप सबसे छोटी पावर लोगे। अगर आपको LCM निकालना तो उसमें आप बड़ी पावर लोगे, और HCF निकालना तो आपको छोटी पावर लेनी होती है। ये दो आपके पास है, ठीक है, दो की पावर दो है, तीन की पावर तीन है, पाँच की पावर पाँच है, दो की पावर तीन है, तीन की पावर दो है, पाँच की पावर एक है, सबसे छोटी पावर लेनी है। दो की सबसे छोटी पावर कौन सी होगी, यहाँ पे दो की पावर दो है, यहाँ पे दो की पावर तीन है, कौन सी लोगे, सबसे छोटी तो ये है ना दो की पावर, तो दो की पावर दो आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी, दो की पावर दो आपने ले ली यहाँ पे, क्यों ना। अब तीन की पावर कौन सी लेगी, तीन की पावर तीन यहाँ पे है, तीन की पावर दो यहाँ पे, तो सबसे छोटी लेनी है, तो तीन की पावर दो हमने यहाँ पे ले ली, गुना। पाँच की पावर पाँच यहाँ पे है, पाँच की पावर एक यहाँ पे है, छोटी वाली पाँच की पावर एक है, तो पाँच की पावर एक आप यहाँ पे आगी, तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ये आपका HCF होगा। तो आई होप आपको इस तरह का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टाइप का हम क्वेश्चन करते हैं, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बिनो में आ जाए यानी कि फ्रैक्शंस में आ जाए, जैसे क्वेश्चन आपके पास 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें उलझ जाते हैं, कन्फ्यूज जाते हैं, कैसे करना होता है। अगर आपके नंबर्स फ्रैक्शन में आ जाएं, तो आपको क्या करना है, ऊपरले वाले का HCF लेना है और नीचे वाले का LCM लेना है। जो ऊपरले वाला है यानी कि जो इसका अंश है उसका HCF लेना है, न्यूमिनेटर का HCF लेना है, और डिनोमिनेटर का जो इसका हर है इसका LCM लेना है। अब आपको कैसे करना है इसको देखिए, HCF कैसे लेते हैं, मैंने आपको एक तरीका बताया था दोस्तों HCF लेने का। एक और क्वेश्चन है आपके पास, अगर इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, अगर कोई नंबर है उनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो उनका HCF हमेशा एक आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक है, दो है, तीन है, चार है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका HCF हमेशा एक आएगा, क्योंकि एक सब में कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो इसका HCF आएगा ऊपरले का एक, तो आप यहाँ पे लिखोगे HCF में इसका एक आएगा। नीचे इसका LCM लेना है, LCM जैसे कैसे होगा, LCM देखो कैसे लेना है, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, इसमें जोन सा कॉमन नहीं है उसको आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। थोड़ा कन्फ्यूज कर सकते हैं, बट एक बार समझ गए आ गया तो दिमाग में पड़ जाएगा। सबसे पहले इन दोनों को देखना है, पाँच चौके कितना होता है, 20, 20 आपने यहाँ पे लिख लिया, पाँच चौके 20। अब क्या तीन है, जो नेक्स्ट तीन है वो 20 से डिवाइड होता है, नहीं, 20 से ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। अगर डिवाइड नहीं होता तो तीन को आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दो है, क्या दो आपका 20 से डिवाइड होता है, जी हाँ दो आपका 20 से डिवाइड होता है, तो आप दो आपको नहीं लेना, LCM में उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। तो 20 के कितना होता है आपके पास 60, तो 1/60 इसका आंसर आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, लास्ट क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं, बिन वाला आपके पास है, 4/9, 2/5, 5/8, 8/15, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसका HCF निकालना है, क्या होगा। तो ऊपरले वाले का तो HCF निकालना है, नीचे वाले का आपको LCM निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपरले वाले का आपको HCF निकालना है, आप चाहो तो दूसरे तरीके से जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से भी आप इसका HCF निकाल सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉमन था, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपका HCF हमेशा क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 8 है, इवन नंबर है, यहाँ पे ओड नंबर आ गया, फिर यहाँ पे इवन आ गया, यहाँ पे इवन आ गया। अगर सारे यहाँ पे इवन होते तो कॉमन होता कुछ, बट यहाँ पे 5 ओड आ गया तो इस 5 ने गड़बड़ कर दी, तो कुछ कॉमन नहीं है इसमें, कॉमन नहीं आ सकता। अगर कॉमन नहीं आ सकता तो इसका HCF हमेशा एक आएगा दोस्तों। अगर HCF एक आ गया तो HCF कभी चेंज नहीं हो सकता, अगर एक आ गया, ठीक है। तो एक तो आपका HCF आ गया। अब LCM वाला देखो कंसेप्ट, LCM में उलझते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 15 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40, 8 1 8
और यहाँ पे 120 आपके पास आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिखोगे आप, या तो आप 15 और 8 लिख सकते हो, इसके फैक्टर लिख सकते हो, या फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करके 120 यहाँ पे लिख सकते हो, 15 8 120। आप चाहे तो याद भी कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं हो तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ठीक है, बट आपको गलती नहीं करनी है। 120 हो गया। अब आपको देखना है कि ये 5 है, जो 5 है वो 120 को डिवाइड करता है या नहीं करता है। अब आप यहाँ पे देखोगे करके कि जो 5 है वो 120 से डिवाइड करता है नहीं करता है। 5 × 2 = 10, यहाँ पे आपके पास आ गया 2 और 5 × 20, तो आपके पास एग्जैक्ट ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। तो 5 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। अब 9 को करके देखते हैं। 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 × 3 कर सकते हो ना, इसके हमने फैक्टर बना लिए, 9 को 3 × 3 कर सकते हो। अब आप करोगे यहाँ पे 120 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करके देखो, इस वाले 3 से, या फिर आप 9 से डिवाइड करके देखो, 9 से तो आपका ये होगा ही नहीं, ठीक है, 9 × 9 नहीं हुआ, 9 से तो नहीं हुआ, तो हम 9 ले सकते हैं, बट यहाँ पे 3 से तो हो सकता है ना, क्योंकि हम 3 के फैक्टर बना सकते हैं, 3 × 3 9 से कर सकते हैं, तो 3 से करके देखते हैं। अब यहाँ क्या है, 3 से हो जाता है, चलिए कर लेके देखते हैं। आपका है यहाँ पे 120, 3 से करते हैं, 3 × 12, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 40 आ गया दोस्तों। अब ये 40 आ गया, यानी कि 3 तो आपका इसका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है कर करके, ठीक है, 3 को अगर आप 40 से करोगे तो 40 120 होते हैं, तो 3 आपका डिवाइड हो जाता है, तो 1 3 को आपका डिवाइड हो जाता है, 1 3 नहीं होता दोस्तों, ठीक है, तो 1 3 नहीं होता, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 1 3 से करोगे तो वो तो एग्जैक्टली आपका हो जाता है, बट 1 3 नहीं होता, हमने 9 करके देखा था ना, तो 9 तो नहीं होता, 3 शेष बचाता था, बट यहाँ पे 1 3 तो हो जाता है ना इसका, तो 1 3 से आप करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 360, 1/360 इसका आंसर आएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, यही था HCF का कंसेप्ट। शायद थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट मैं नहीं जानता इस चीज़ को, अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की, मैंने आपको मेथड बता दिया, मुझे भी दिक्कत आई थी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे इनकी तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। HCF निकालने के बहुत लंबे लंबे मेथड से, जैसे मैंने शुरू में बताए थे, आप इनको यूज़ तो कर सकते हो, बट जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें 6 सेकेंड चाहिए, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए, तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हर एक टाइप की, भिन्नों की बताई आपके पास, फ्रैक्शंस में आ जाए आपके पास, ठीक है, सिंपल आ जाए, कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए, ऐसा आ जाए, तो मैंने ट्रिक बताई है, आप उन ट्रिक को देखो, उनसे टाइप के क्वेश्चन करके देखो दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।